आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो कल क्लास का पहला क्लास हो चुका था, क्लास दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इसमें पूछा जाता है पीएच स्केल क्या है, तो आप आंसर लिखिएगा। पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीन होने का पता चलता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप बताइएगा, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन या अम्ल, क्षारीय तथा उदासीन होने का पता चलता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पे नोट्स बनाया गया है 6 को। तो पहला नोट्स को देखेंगे, पीएच स्केल का खोज कौन किया था, तो आंसर बताइएगा पीएच स्केल का खोज डॉक्टर सोरेन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इससे हमें ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया है, तो आंसर बताइए क्या बताइएगा, पीएच स्केल का खोज डॉक्टर सोरेनसन ने किया था। नोट नंबर 2 है, पीएच मान 0 से 14 तक होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछिएगा, पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत अच्छा है, पीएच पीएच का पूरा नाम, यानी जो हम पीएच किसी भी चीज़ का पीएच मान पढ़ते हैं तो उसका पूरा नाम क्या होता है, तो पीएच का पूरा पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। नोट नंबर 4 देखिएगा, जो कल का क्लास में बता चुके हैं, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। तो कल भी बता चुके थे कि जिस, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहेंगे, तो आंसर क्या बताइएगा, अम्ल बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 5वां नोट्स क्या है, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक यानी 7 से ज्यादा होता है उसे क्षार कहते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 7 से पीएच, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, क्षार। 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होगा। नोट नंबर 6 देखिएगा, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर होता है उसे लवण कहते हैं। तो अगर पूछेगा 7 के बराबर होता है उसे क्या कहेंगे, लवण। तो आपको ये 3 क्वेश्चन याद हो गया, कल भी याद होना चाहिए था कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर होता है उसे लवण कहते हैं। और पीएच मान और प्राकृतिक, तो पहला है मूत्र या पेशाब। मूत्र क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, मूत्र या पेशाब, यानी मूत्र अगर पूछेगा मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो छो या पेशाब दोनों देख ही हुआ, दोनों को लिख दिए ब्रैकेट करके घेर देते हैं। मूत्र का पीएच मान पूछेगा तो बताइएगा 6, और जैसे ही 6 है तो, जैसे ही 6 है तो 7 से कम है, तो जैसे ही 7 से कम है तो आंसर क्या बताएंगे, ये इसका प्राकृतिक अम्ल है। तो यानी मूत्र का पीएच मान 7 और मूत्र का प्रकृति, यानी जैसे ही ये 6 है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। सिरका, सिरका जो है 3 अक्षर, सिरका याद करने का तरीका है 3 अक्षर, तो पीएच मान सिरका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जैसे ही 3 हो जाएगा तो यानी 7 से कम है तो यह अम्ल हो जाएगा। नींबू, आप घर में देखते होंगे या बताते पूछे भी होंगे कि 2-4 गो नींबू बाजार से ले, यानी 2-4 गो नींबू, यानी 2.4 नींबू का पीएच मान होता है, और जैसे ही 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तीसरा है, चौथा, खून या आंसू या लार, इसका पीएच मान कितना हो, 7.4, और जैसे ही 7 से ऊपर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्षार। समुद्र या समुद्र की पानी, समुद्र की पानी यानी 8.4, तो यानी 7 से ऊपर है, तो जैसे 7 से ऊपर है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। शुद्ध पानी नमक 7, तो 7 जैसे ही है तो यानी 7 के बराबर, तो यानी 7 के जो बराबर रहता है उसे क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। चौथा अगला क्वेश्चन है, दूध या दही 6.4, इसको देखिए ट्रिक याद कराते हैं कैसे याद करना है, दूध या दही पी के छक्के छुड़ाने, यानी छक्के छुड़ाना है, यानी 6.4, कोई कोई ट्रिक से याद करवा देते हैं और उसके बाद आप खुद से याद कर लीजिएगा। दूध दही पीकर क्या करेंगे, छक्के छुड़ाना है, यानी 6.4, यानी ये जैसे ही 7 से कम है तो ये भी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। टमाटर, यानी ये 4 अक्षर का है,
तो इसका पीएच मान हो जाएगा 7, एसिडिक 7 से कम है तो ये हो जाएगा अम्ल। दो तीन को हम ट्रिक से याद करा लिए, पेशाब को क्या पता, छी, यानी इसका कितना जगह लिखा रहेगा 6.6 भी लिखा हुआ रहेगा, यानी पेशाब का या पेशाब का पीएच मान कितना होगा 6.6, यानी हम बचपन में देखते हैं बच्चों बच्चों को पेशाब कर देता है तो छी यानी 6.6 बताइए, और कितना जगह 6 रहेगा तो आप 6 ही मार सकते हैं 6.6। नीचे में लिखा गया पदार्थ, इसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम पूछा है, तो अगर पूछे तो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे हम लोग, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताइएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है 4, कॉफी, चाय या कॉफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टैनिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर या अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मौलिक अम्ल पाया जाता है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है यानी यूरिक अम्ल। तो ये आप इतना याद कर लीजिए, इसमें से एक यानी इसमें से आपको एक और दो का पक्का आपको पूछने वाला है, ये शब्द नहीं काम करेगा याद कर लीजिएगा तो।